प्राइम, तुम सब तबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए? तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसान होने नहीं दोगे। मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फाउलर, लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद हैं। तुम देख सकते हो। फिर ये बताओ कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर ओमाहा के पास दो बड़े ऑटोबॉट्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं? शायद डिसेप्टिकॉन्स हो। आजकल डिसेप्टिकॉन्स आपस में लड़ने लगे हैं, शायद वो भी मेगाट्रॉन से तंग आ चुके हैं। अभी दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुल खेला है, ये देखो। मैं ये नहीं मान सकता कि स्काई क्वेक वापस आ गया है। तुमने और ऑप्टिमस ने उसे दफन कर दिया था, लेकिन स्टारस्क्रीम ने उसे फिर से जिंदा करके टेरेकॉन बनाने की कोशिश की थी। तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है? यकीन नहीं होता, ये तो हम में से ही कोई एक है। व्हील जैक, जैक लौट आया। मुझे किसी के लौटने या जाने से कोई वास्ता नहीं। किसी भी तरह उनको रोको इससे पहले कि ये हादसा सुर्खियां बन जाए। तुम अब बच नहीं पाओगे डिसेप्टिकॉन। मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूँ और तुम वो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे पता था मेरे दोस्त जरूर आएंगे। Jackie! इससे काम बन जाएगा। फिर से मेरी कॉपी की। आग कहां रहे हो? व्हील जैक, जैकी नहीं। रेडविंग ने इस जगह बॉम्ब लगाए थे। रेडविंग ने उस जगह को उसके बॉम्ब ने नहीं, तुमने उड़ाया। उसे गैस स्टेशन कहते हैं, एक तरह का एनर्जॉन डेपो। एक चिंगारी भी उसे ब्लास्ट कर सकती है। उस कौन को मुझे रोकना है? व्हील जैक, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब तक हम इस दुनिया में हैं, तुम वही करोगे जो हम सब के लिए सही है। जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? हिलना बंद करोगे तो नहीं टूटेगा। देखिए कमांडर, उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सैकड़ों सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम गैलेक्सी में घूमते हुए बचे हुए ऑटोबॉट्स ढूंढ रहे थे। हाँ, और वहाँ मुझे एक रैकर मिला था। कौन? सी स्प्रे। तो कैसा है अपना पुराना दोस्त? बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्या? नहीं। ड्रेडविंग, मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था। मैंने उसे कांटेक्ट करके ड्रामेडॉन सिस्टम में मिलने का फैसला किया, लेकिन शायद ड्रेडविंग ने हमारा ट्रांसमिशन सुन लिया, इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले पहुंच गया।
वो बॉम्ब हम दोनों के लिए लगाया गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सह पाया। मुझे ड्रेडविंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम तलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अजीब इत्तेफाक है ना? मैं ड्रेडविंग को जानता हूं। वो शिकारी आर्मारा का कैप्टन था और अपने जुड़वा भाई स्काई क्वेक की तरह ही वो डिसेप्टिकॉन का वफादार भी था। बेशक ड्रेडविंग पृथ्वी पर अपने असली मालिक मेगाट्रॉन की सेवा करने आया होगा। चाहे किसी के लिए भी आया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्हील जैक, इस प्लैनेट पर करोड़ों लोग रहते हैं। डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरह नापना होगा ताकि इंसानी आबादी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैं क्या करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से आज हमारा राज खुल जाता। कैसा राज? हम बेस बदल कर बाहर जाते हैं। तुम्हें भी बाहर जाने के लिए अर्थ की व्हीकल में बदलना होगा। जिस स्पेसशिप को तुमने यहाँ गिराया वो अर्थ की नहीं थी। पता है मुझे उसे वहाँ से हटाने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? तुम्हें अपने इस ऑटोबॉट की लगाम खींचनी होगी प्राइम। लगाम खींचनी होगी? कान खोल कर सुन लो मोटू। जैकी, देखो मैं ऑप्टिमस प्राइम के लिए काम नहीं करता। मैं उससे बात करता हूँ, आपकी इजाजत है? इजाजत है। इस नए ऑटोबॉट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। व्हील जैक और बल्कहेड रैकर्स के लिए काम करते थे, एक ऐसा कॉम्बैट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था। ब्लैक ऑप्स। जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे और उनमें से कई तो लौट कर भी नहीं आए। मेगाट्रॉन, आपका गुलाम हाजिर है। उठो ड्रेडविंग, तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो। वफादारी मेरी रगों में दौड़ती है, पर मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? हम दोनों में एक ही स्पार्क के दो टुकड़े थे। हमारे पुर्जे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी। गैलेक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार्क के बुझने का एहसास हो गया था। ये सच है कि ऑटोबॉट्स ने स्काई क्वेक को जान से मार दिया, लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था। मैं इसी वक्त कसम खाता हूं कि इसकी कीमत हर एक ऑटोबॉट को चुकानी होगी। ऑटोबॉट्स को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मास्टर, जरूरी मुद्दों से हटने पर हमें कामयाबी देर से मिलेगी। इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेडविंग? अब तुम मेरे हुक्म पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे। जैकी, अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम यूं ही डिसेप्टिकॉन्स पर हमला नहीं कर सकते। हमारी संख्या कम है। रोडबस्टर, पायरो, इंपैक्टर, रोटोस्टॉर्म, सी स्प्रे सब मिट गए। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। रेकर्स हो या ऑटोबॉट्स, हमारी तादाद दिन पर दिन कम हो रही है, लेकिन ऑप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऑप्टिमस जैसे शख्स बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं। रुको रुको रुको, मैं ऑप्टिमस को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे लिए रेकर होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बदल गया क्योंकि प्राइम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। ब्ला ब्ला ब्ला। व्हील जैक, जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या ये ड्रेडविंग है? मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर मिलो, अगर दम है तो।
तुम्हारा दम निकालने के लिए तो मैं जरूर पहुंचूंगा। जैकी, ये उसकी चाल है। जानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चालें मुझे रोक नहीं पाई। क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैकअप को तो बुलाने दो। तुम जानते हो रैकर्स को बैकअप की नहीं बल्कि क्लीनअप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है। यही है तुम्हारी चाल। अगर तुम यहां से उड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। बल्कहेड, बल्कहेड का सिग्नल यहाँ से हजारों मील दूर है और मुझे लगता है कि व्हील जैक उसी के साथ है। क्या तुमने उनसे कांटेक्ट किया? कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देर कहाँ लग गई बल्कहेड? कहीं प्राइम के साथ रहकर तुम भी ढीले तो नहीं पड़ गए? तो मेरी बात ना मानो ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे किसी ऑटोबॉट की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बुरा मत मानिएगा सर, बल्कहेड खतरे से वाकिफ था। हर रैकर होता है। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा। ऑप्टिमस, बल्कहेड का सिग्नल तुम्हारी जगह से आगे बढ़ गया है। आप साथ चलेंगे? तुम और बल्कहेड काफी पुराने दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम अकेले काम करना चाहते हो। रैकर्स तो कब के बिखर गए थे सर, और वैसे भी अकेले काम करने में उलझने कम होती हैं। यहां पर काफी आबादी है, जरा ध्यान रखना। फ्यूल पंप्स को चिंगारी भी उड़ा सकती है। वो ज्यादा दूर नहीं है। हे दोस्तों, नई चाल। इस बार तो तुमने मुसीबत को सीने से लगा रखा है मेरे दोस्त। पीछे हट जाओ जैकी। काम शुरू करते हैं। क्या पहले कभी इसे डिफ्यूज किया है? ट्रिगर नहीं है, नकली वायर्स, झूठे बटन। काफी बढ़िया बॉम्ब है। रेडविंग, कहां हो तुम? अपने काम को अंजाम दे रहा हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था ना? माफ कर दीजिए मेरे मास्टर, लेकिन मैं ऑप्टिमस प्राइम को मिटाकर आपकी नजरों में ऊंचा उठना चाहता हूँ।
ऑप्टिमस को मिटाना इतना आसान नहीं। तुमसे पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश करने वालों से मैंने यही कहा था। जैकी चले जाओ वरना हम दोनों को क्लीनअप की जरूरत पड़ेगी। मेरा ध्यान मत भटकाओ बाल्क। ऑप्टिमस कहाँ है? मैंने कहा था ना, जब जान पर बनाती है तो सबसे पहले जनरल ही भागते हैं। नहीं, ऑप्टिमस ऐसा नहीं है। यकीन मानिए मास्टर, कुछ ही देर में मैं ऑप्टिमस के साथ दो और की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तुम्हारे महरूम जुड़वा भाई की खातिर इस बार तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। अगर ड्रेडविंग सही सलामत लौट पाया तो मुझे हैरानी होगी। ये प्राइम कहाँ चला गया? ड्रेडविंग, अगर तुम स्काई क्वेक जैसे ही हो तो तुम्हारे लिए भी वफादारी और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। बस इतना ही कि मेगाट्रॉन के लिए उन चीजों के कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ बर्बादी और मनमानी करना जानता है। लेकिन तुम सही रास्ता चुन सकते हो। बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दो। मैं कहता हूँ चले जाओ। मैंने सैंडकैन पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था, इसलिए यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर कोई इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ ड्रेडविंग है। ब्लास्टर की आवाज नजदीक आ रही है, शायद कमांडर। माफ करना जैकी, तुम्हारी भलाई इसी में है। जारी मछलियां, बल्कहेड रुक जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम सही थे, सिर्फ ट्रेडविंग ही इसे डिफ्यूज कर सकता है, और ऑप्टिमस को यह बात मालूम है। ड्रेडविंग, बॉम्ब डिफ्यूज करो या खुद ही उसके शिकार बन जाओ। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। तो फिर हम भी अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। वो भी तुम्हारे साथ। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ठीक है, मुझे लगा ही था कि ब्लू या येलो वायर होगी या फिर रेड। तो
अब क्लीनअप के लिए किसे बुलाएं? ऑप्टिमस प्राइम अब भी जिंदा है और तुम भी ड्रेडविंग, तुम इसे अपनी जीत ही समझना क्योंकि स्काई क्वेक को दूसरा मौका नहीं मिला था। मुझसे मेरे भाई की बात मत कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ, सिर्फ आपकी। सुनिए कमांडर, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी, शायद आपको समझने में मुझसे भूल हो गई। और तुम्हें भी अपने दोस्तों की परवाह है जबकि तुम उसे खुल कर दिखाने से कतराते हो। वो अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मान जाओ जैकी, अगर तुम चले भी गए फिर भी लौट कर यही आओगे। कितना फ्यूल बर्बाद होगा और एनर्जॉन की काफी कमी है। फिर भी यहाँ जगह की भी कमी है। मैं अपनी आजादी खोने के लिए अब तक तैयार नहीं हूँ, थोड़ा घूम कर देखता हूँ शायद ये प्लैनेट मुझे रास आ जाए। जैकहैमर काफी अच्छी शिप है लेकिन तुम्हें व्हीकल मोड के लिए अर्थ की कार चुननी होगी।